మాట్లాడుతున్నప్పుడు నిశ్శబ్దంగా ఉండవలసిందిగా మొబైల్ ఫోన్లు సైలెంట్ మోడ్లో పెట్టవలసిందిగా కోరుతున్నాం నమస్కార్ నమస్కార్ సార్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ మై ఫాదర్ శ్రీ ఎం వెంకయ్యనాయుడు గారు ఆర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అండ్ ఆల్ ద డిగ్నేటరీస్ అండ్ ద గెస్ట్ ప్రజెంట్ హియర్ ఆన్ దిస్ ఆస్పీషియస్ అకేషన్ ఐ ఫీల్ ఆనర్డ్ ఇన్ వెల్కమింగ్ ఆర్ ఆనరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ శ్రీ నరేంద్ర మోడీజీ who has most graciously consented to release books on the eventful life and extraordinary journey of sri m venkaiah naidu garu i now request our honorable prime minister to release the biography venkaiah naidu life in service authored by sri s nagesh kumar i now request our honorable prime minister Sri narendra modi ji to release the book celebrating bharat the mission and message of sri m venkaiah naidu as 13th vice president of india a photo chronicle compiled by dr iv subbarao garu former secretary to vice president of india May I now request our Honourable Prime Minister to release the pictorial biography in Telugu titled Mahaneta Life and Journey of Sri M. Venkay Naidu, authored by Sri Sanjay Kishore.

श्रीमान वेंकैया नायडू गारो उनके परिवारजन विभिन्न राज्यों के गवर्नर्स अलग अलग राज्यों के मंत्री अन्य सभी वरिष्ठ महानुभाव देवी और सज्जनों कल टुमारो, एक जुलाई को वेंकैया नायडू जी का जन्मदिन है उनकी जीवन यात्रा को 75 वर्ष हो रहे हैं ये पचहत्तर वर्ष असाधारण उपलब्धियों के रहे ये पचहत्तर वर्ष अद्भुत पड़ावों के रहे मुझे खुशी है कि आज मुझे उनकी बायोग्राफी साथ साथ दो और पुस्तकें रिलीज करने का अवसर भी मिला है मुझे विश्वास है ये पुस्तकें लोगों को प्रेरणा देगी उन्हें राष्ट्र सेवा की सही दिशा दिखाएगी साथियों मुझे वेंकैया जी के साथ बहुत लंबे समय तक काम करने का अवसर मिला जब वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जब वो सरकार में कैबिनेट के वरिष्ठ सहयोगी थे जब वो देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति थे आप कल्पना कीजिए एक सामान्य से गांव से निकलकर किसान परिवार का एक संतान बड़े बड़े दायित्वों को संभालने की ये इतनी लंबी यात्रा अनेक अनेक अनुभवों से भरी रही वेंकैया जी से मुझे भी और मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ताओं को उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है साथियों वेंकैया जी का जीवन विचार विजन और व्यक्तित्व की एक परफेक्ट झलक देता है आज हम आंध्र और तेलंगाना में इतनी मजबूत स्थिति में है लेकिन दशकों पहले वहां जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का कोई मजबूत आधार नहीं था बावजूद उसके नायडू जी ने उस दौर में एबीवीपी के कार्यकर्ता के रूप में प्रथम की भावना से देश के लिए कुछ न कुछ करने का मन बना लिया बाद में वो जनसंघ में आए और अभी अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस ने संविधान की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाकर के जो इमरजेंसी लगाई थी उसको 50 वर्ष हुए हैं वेंकैया जी हमारे उन साथियों में थे जो इमरजेंसी के खिलाफ जी जान से लड़े और उस समय वेंकैया जी करीब करीब 17 महीने जेल में रहे थे इसलिए मैं उन्हें इमरजेंसी की आग में तपा हुआ अपना एक पक्का साथी मानता हूं साथियों सत्ता सुख का नहीं सेवा और संकल्पों की सिद्धि का माध्यम होती है वेंकैया जी ने यह तब भी साबित किया जब उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में शामिल होने का मौका मिला वेंकैया जी का व्यक्तित्व हमारी पार्टी में काफी ऊंचा था और इसलिए स्वाभाविक रूप से जब मंत्रालय की बात होगी तो उनके लिए बहुत ही दुनिया में जरा जिसकी वाहवाही होती रहती ऐसे डिपार्टमेंट का मन करेगा वेंकैया जी जानते थे कि शायद मुझे ऐसा ही कोई मंत्रालय मिल जाएगा तो वो सामने से गए और उन्होंने कहा कृपा करके मुझे ग्रामीण विकास मंत्रालय मिले तो अच्छा होगा ये छोटी बात नहीं है और वेंकैया जी ने ऐसा क्यों किया इसलिए क्योंकि नायडू जी गांव गरीब और किसान की सेवा करना चाहते थे और ये विशेषता देखिए शायद भारत में वो ऐसे मंत्री रहे जिन्होंने अटल जी के समय ग्रामीण विकास का काम किया और हमारे साथ कैबिनेट में एक वरिष्ठ साथी के रूप में शहरी विकास मंत्री के रूप में काम किया यानी एक प्रकार से दोनों विधाओं में पारंगत और उस काम, जिस प्रकार से उन्होंने उस काम को किया अगर मैं उसके विषय में उनके अनेक इनिशिएटिव उसके प्रति उनका समर्पण भारत के आधुनिक शहरों की उनकी कल्पना अगर मैं उसके विषय में कुछ कहने जाऊंगा तो कई घंटे निकल जाएंगे वेंकैया जी के कार्यकाल में स्वच्छ भारत मिशन स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत योजना जैसे अनेक अभियान शुरू हुए साथियों वेंकैया जी की बात हो और उनकी वाणी उनकी वाकपटता उनकी विटीनेस अगर उसकी हम चर्चा न करें तो शायद हमारी बात अधूरी रह जाएगी वेंकैया जी की अलर्टनेस उनकी स्पॉन्टीनिटी उनकी क्विक काउंटर व्हीट उनके वन लाइनर्स मैं समझता हूं उसका कोई मुकाबला नहीं है मुझे याद है जब वाजपेयी जी की गठबंधन सरकार थी तो वेंकैया जी का ऐलान था एक हाथ में बीजेपी का झंडा और दूसरे हाथ में एनडीए का एजेंडा और 2014 में सरकार बनने के बाद कुछ दिनों बाद ही उन्होंने कहा मेकिंग ऑफ डेवलप इंडिया यानी एमओडीआई मोदी मैं तो खुद हैरान रह गया कि वेंकैया जी इतना कैसे सोच लेते हैं वेंकैया गारू इसलिए ही वेंकैया जी की स्टाइल में मैंने एक बार राज्यसभा में कहा था वेंकैया जी की बातों में गहराई होती है गंभीरता भी होती है इनकी वाणी में विजन भी होता है और बीट भी होता है बॉम्ब्स भी होता है और विजनम भी होता है साथियों अपनी इसी खास स्टाइल के साथ आप जितने समय राज्यसभा के सभापति रहे आपने सदन को पॉजिटिविटी से भरपूर रखा आपके कार्यकाल में सदन ने कितने ही ऐतिहासिक फैसले लिए पूरे देश ने देखा था जम्मू कश्मीर से 370 हटाने का बिल लोकसभा की जगह पहले राज्यसभा में पेश हुआ था और आप जानते हैं उस समय राज्यसभा में हमारे पास बहुमत नहीं था लेकिन थ्री हटाने का बिल राज्यसभा में आन बान शान के साथ बहुमत से पारित हुआ था इसमें कई साथियों पार्टी और सांसदों की भूमिका तो थी ही लेकिन ऐसे संवेदनशील मौके पर सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए वेंकैया जी जैसा अनुभवी नेतृत्व भी उतना ही जरूरी था आपने इस देश की इस लोकतंत्र की ऐसी अनगिनित सेवाएं की है वेंकैया गारू में ईश्वर से कामना करता हूं आप ऐसे ही स्वस्थ और सक्रिय रहते हुए दीर्घकाल तक हम सबका मार्गदर्शन करते रहे और आपने देखा होगा बहुत कम लोग जानते होंगे वेंकैया जी बहुत ही इमोशनल व्यक्ति है जब हम गुजरात में काम करते थे वेंकैया जी जब आते थे अगर कुछ ऐसी घटनाएं घटती थी तो वो सबसे ज्यादा पीड़ित नजर आते थे वे निर्णायक रहते हैं और आज ये भारतीय जनता पार्टी का विशाल जो वटवृक्ष दिखता है ना उसमें वेंकैया गारू जैसे लाखों कार्यकर्ताओं तीन तीन चार चार पीढ़ी भारत मां की जय इसी एक संकल्प को लेकर खपती रही है तब जाकर के आज विशाल वट वृक्ष पनपा है वेंकैया जी जैसे उनकी तुकबंदी के कारण ध्यान आकर्षित करते थे वैसे हमारे वेंकैया जी खिलाने के भी उतने ही शौकीन रहे हैं मकर संक्रांति पर दिल्ली में उनके निवास पर पूरे दिल्ली का हुजू और एक प्रकार से पूरा तेलुगु फेस्टिवल कभी कभी पूरा साउथ इंडियन फेस्टिवल शायद अगर किसी साल न हो रह पाए तो हर कोई याद करता है अरे व्यकैया जी कहीं बाहर तो नहीं है इतना हरे के मन में मकर संक्रांति का उत्सव भावती यानी वेंकैया जी की जो सहज जीवन की प्रक्रियाएं हैं उससे भी हम लोग भली भांति परिचित है मैं तो देखता हूं आज भी कोई भी अच्छी खबर उनके कान पे आ जाए कोई भी अच्छी घटना उनके नजर आ जाए शायद ही कभी वो फोन करना भूलते हो और वो इतने भाव विभोर होकर खुशी व्यक्त करते हैं हम जैसे लोगों को उससे एक बड़ी प्रेरणा मिलती है उत्साह मिलता है उमंग मिलता है और इसलिए वेंकैया जी का जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए और सार्वजनिक जीवन में काम करने जो चाहते हैं ऐसे नौजवानों के लिए बहुत ही प्रेरक है उत्तम मार्गदर्शन देने वाला है और ये जो तीनों किताबें हैं उन तीनों किताबें अपने आप में किताब को देखते ही उनकी जर्नी का हमें पता चलता है हम भी उसकी यात्रा में जुड़ जाते हैं एक के बाद एक घटना प्रवाह से हम अपने आप को अनुबंध कर लेते हैं साथियों आपको शायद याद होगा एक बार मैंने राज्यसभा में श्रीमान वेंकैया गारू के लिए कुछ पंक्तियां कही थी राज्यसभा में जो कहा था मैं आज फिर उन्हें दोहराना चाहता हूं अमल करो ऐसा अमन में अमल करो ऐसा अमन में जहां से गुजरे तुम्हारी नजरे जहां से गुजरे तुम्हारी नजरे उधर से तुम्हें सलाम आए आपका व्यक्तित्व ऐसा ही है एक बार फिर आपको 75 वर्ष की यात्रा और मैं तो याद है हमारे एक मित्र हैं कभी उनको है मैंने एक बार फ़ोन करके पूछा भाई कितने साल हो गए कितने जर्थ? क्योंकि उनका भी पचहत्तरवा जन्मदिन था तो मैंने उनको ऐसे ही फ़ोन किया तो उस साथी ने मुझे ये नहीं बताया उनके पचहत्तर साल हुए हैं उन्होंने मुझे जवाब दिया मैंने भाई क्या कितने साल हो गए नहीं बोले अभी पच्चीस बाकी है देखने का ये नज़रिया है तो मैं भी आज पचहत्तर वर्ष के आपके यात्रा जिस पड़ाव पर पहुंची है और जब आप शताब्दी मनाएंगे तब देश 2047 में विकसित भारत आज़ादी की शताब्दी मनाता होगा आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपके परिवारजनों को भी आपकी सफलता में उनका जो योगदान रहा है कंधे से कंधा मिला के और कहीं छा जाने की कोशिश नहीं एक मुख सेवक की तरह सबने काम किया है मैं आपके परिवार के सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आपका बहुत बहुत धन्यवाद